हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और इस चैनल के ऊपर हम सिंगिंग कंपटीशन, डांस कॉम्पिटिशन, रियलिटी शो के बारे में ऑडिशन अपडेट आपको देते रहते हैं कि भाई कब कौन सा शो आ रहा है, किसकी अपडेट क्या है, अभी क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी टेलीविजन स्क्रीन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना, बड़े बड़े शोज के अंदर जाना, वो सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने शेयर करूंगा, कुछ अपडेट आपके सामने रखूंगा, बहुत सारे कॉम्पिटिशन हैं उनके बारे में बताऊंगा कि भाई कौन सा कब आने वाला है, क्या चीज़ें हैं, क्या कोई अपडेट है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे द वॉइस इंडिया की। मोस्ट पॉपुलर शो रहा, बहुत कॉम्पिटिशन रहा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा चला भी, और इस शो की अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। बट हो सकता है कि जजेस कोई फ्री हो जाएं तो फिर डेफिनेटली आपको ये शो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखने को मिल सकता है, कुछ कह नहीं सकते। देखो बेसिकली वही, दूसरे कंपटीशन की बात करें, दूसरे शो की बात करें, दिल है हिंदुस्तानी मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग टैलेंटेड शो था, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, TRP भी बहुत अच्छी रही। बट अचानक ही कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, बट उसके बाद इसकी भी कोई खास अपडेट देखने को मिल नहीं रही। बट हाँ, ऐसा बोला जा रहा है कि ये शो आपको मे भी हो सकता है गर्मियों की छुट्टी यानी कि जून की अपडेट ये शो आपको देखने को मिले, और इस शो के जो रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं जून में आपको देखने को मिले, ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। वही बात करते हैं राइजिंग स्टार की। जी हाँ दोस्तों, राइजिंग स्टार भी मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग शो में से एक था, अभी फिलहाल नहीं है बट पहले जब स्टार्टिंग में आया था बहुत अच्छा चला, बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम इन्होंने चालू किया था। और ये शो अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, बट हाँ ऐसा बोला जा रहा है कि ये शो आपको नवंबर में देखने को मिल सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में इसके जो ऑडिशंस हैं, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी अभी हम बात करते हैं सारेगामापा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सारेगामापा अभी आपने देखा होगा एंड हो चुका है सारेगामापा का, यानी खत्म हो गया है सीजन। और अभी जो नया शो आएगा सारेगामापा लिटल चैंप आने वाला है, यानी बच्चों के लिए आने वाला है। तो जिन बच्चों की एज 15 साल से नीचे है वो सारेगामापा लिटल चैंप के अंदर जा सकते हैं, और इसकी शुरुआत आपको जल्द ही जून में देखने को मिलेगी, यानी जून के अंदर ये शो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मई में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर मोस्ट आइकनिक शो इंडियन आइडल के बारे में। और इंडियन आइडल गाइस कभी भी आ सकता है, देखो क्योंकि टाइम हो चुका है इंडियन आइडल के नए सीजन की शुरुआत होने वाली है, तो कभी भी आ सकता है। तो रजिस्ट्रेशंस भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। मे बी ये शो वैसे तो अक्टूबर तक आता है, तो अगस्त या सितंबर में आपको इसके जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास 3 या 4 महीने हैं इसकी तैयारी करने को, बट अभी इससे आगे भी आ सकता है, यानी इससे पहले भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते, बट फिलहाल इतना एक्सपेक्टेड हम इसको लेकर चलेंगे। उसी की बात करें गाइस सुपर सिंगर के बारे में, वो अभी उसके रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा, नहीं तो ये वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद आप जो ऊपर वाली वीडियो देखेंगे उसके अंदर सुपर सिंगर के रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएंगे। सुपर स्टार सिंगर अभी स्टार्ट होने वाला है, उसके रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं, जब हमने काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल किए, बहुत सारे लोग फर्स्ट राउंड क्लियर भी कर पाए, सेकेंड राउंड तक भी गए पाए, तो सुपर स्टार सिंगर अब तो लॉन्च ही होने वाला है, तो उसके रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिले। वहीं बात करते हैं इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की, और इंडियन प्रो म्यूजिक लीग वैसे तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस बार भी कॉमनर्स की एंट्री नहीं होगी, बट अगर कॉमनर्स की एंट्री होती तो बहुत फंटेस्टिक ये शो रहने वाला है। और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि कॉमनर्स हो सकता है कि आपको देखने को मिले, और ये शो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 10 दिन बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन की अपडेट आ जाए इंडियन प्रो म्यूजिक लीग को लेकर, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में भी, बट हाँ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये शो आपको मार्च अप्रैल मई इन 3 महीनों के बीच में देखने को मिल सकता है, तो रजिस्ट्रेशन भी इन 3 महीनों के आसपास ही आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करते हैं गाइज तारे जमीन पर स्टार प्लस का, काफ़ी पॉपुलर काफ़ी आइकनिक शो, बच्चों के लिए सिंगिंग कंपटीशन था, बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे, बहुत अच्छा ये शो चला, बहुत तरक्की भी करी, बहुत TRP भी ली इन द सेंस
तो ये शो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। मे भी हो सकता है कि आपको ये शो मार्च अप्रैल मई के अंदर देखने को मिले, और इसके रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि आज ये वीडियो बना रहा हूँ इसके अगले दिन ही तारे जमीन के जो रजिस्ट्रेशन है आपको देखने को मिले, हो सकता है कि 10 दिन बाद देखने को मिले, बट कभी भी आ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि आप या तो इनके एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रख लीजिए, जैसे वूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, और अगर सोनी टीवी के ऊपर जितने भी शोज आते हैं तो सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं, एमटीवी और कलर्स के ऊपर जितने भी शोज आते हैं तो आप उनको वूट एप्लीकेशन के अंदर दे सकते हैं, और स्टार प्लस के ऊपर जितने भी शोज आते हैं, जितने भी रियलिटी शोज आते हैं, तो उनको आप हॉटस्टार एप्लीकेशन के ऊपर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और भाई जी टीवी के ऊपर जितने भी शोज आते हैं या फिर जी वाले जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर जितने भी रियलिटी शोज आते हैं उनको G5 एप्लीकेशन के ऊपर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, सभी अपडेट आपको उधर मिल जाएंगी। बट एक और ऑप्शन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सुपरस्टार सिंगर के अंदर जाना चाहते हैं तो आप हमारी ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं, वहीं अगर आप डांस दीवाने जूनियर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमारी नीचे वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।